स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट कर लिया था और अब इस वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो अब जो है हमें इसने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हैं, ठीक है, तो उसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं और वो भी हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमें इसके रूट्स जो है वो फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली क्या है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसके रूट्स जो है हम तीन तरीकों से निकाल सकते हैं, ठीक है, तीन तरीके से उसे हम कर सकते हैं फाइंड। तो पहला तरीका तो हमने अभी अपनी पिछली वीडियोस में जो हमारे पिछले क्वेश्चन थे उसमें हमने करा था बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो एक हमारे पास मेथड था फैक्टराइजेशन का, ठीक है, तो उससे हम रूट निकाल लेते थे। अच्छा, अब हमारे पास एक दूसरा मेथड और है, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इस मेथड से हम इसके रूट निकालते हैं। और एक तीसरा हमारे पास और भी मेथड है, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरह के मेथड हैं रूट्स को फाइंड करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। पहला वाला मेथड हम कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में, बाय फैक्टराइजेशन। ये सेकंड मेथड है, इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये इस मेथड से हमें निकालने हैं रूट्स। और तीसरा मेथड मैंने आपको बताया है कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, तो उससे भी हम निकालते हैं। तो ये अब सेकंड मेथड को हम डिस्कस करते हैं। तो हमें इक्वेशन दी गई है 2x² - 7x + 3 = 0, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं। तो इसके मैं एक एक करके आपको स्टेप बताता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि रिमूव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसे हम रिमूव करते हैं। और वो रिमूव कैसे करते हैं, मान लो जितना भी यहाँ पर कोई भी वैल्यू है उतनी वैल्यू से हम डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो बेसिकली जो है हम इसके जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का इसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 2 है तो हम 2 से इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, यानी कि 2 से हमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है वो हट जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि रिमूविंग द कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 2x² - 7x / 2 + 3/2 = 0, यानी कि हमने पूरे को थ्रू आउट जो है 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई x² - 7x / 2 + 3/2। तो ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया कि हमने जो है जो x² का जो कोफिशिएंट है उसको हमने रिमूव करा। अच्छा, अब जो सेकंड स्टेप है हमारा, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये जो कांस्टेंट टर्म है हमारी, ये जो कांस्टेंट टर्म है 3/2, इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं हम शिफ्टिंग शिफ्टिंग द कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड, ठीक है। जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x² - 7x / 2 = और जब ये इधर शिफ्ट होगी तो ये प्लस की है, तो ये इधर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -3/2। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। तो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। अब जो हमारा तीसरा स्टेप है,
तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि एडिंग द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशेंट ऑफ एक्स, यानी कि ये जो हमारा एक्स का जो कोफिशेंट है, ये एक्स का कोफिशेंट ये है हमारा, ठीक है। तो एडिंग द हाफ ऑफ द कोफिशेंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड, यानी कि एक्स का जो ये कोफिशेंट है इसमें हम हाफ इसका कर देंगे और उसको जो है हम स्क्वायर कर देंगे। तो इस जैसे मान लो 7/2 है, 7/2, ठीक है। तो एडिंग द स्क्वायर ऑफ हाफ, यानी कि इसमें ऐड कर देंगे, हाफ को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 7/4 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आया, ये हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम बोथ साइड जो है हम ये ऐड कर देते हैं। तो हम लिखते हैं एडिंग स्क्वायर, एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड, यानी के एडिंग स्क्वायर, ये तो स्क्वायर हमने कर दिया, ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये जो कोफिशिएंट है इसमें हम हाफ और ऐड करके और उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 और इसमें हम ऐड करेंगे, इसको हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका स्क्वायर कर दिया तो 7/4 बना। तो ये हमने ऐड कर दिया यहाँ पर 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर देंगे, -3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, तो ये हमने ऐड कर दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, तो ये जो है ए माइनस बी वाला फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, ठीक है ना। तो हमेशा जब भी हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर जो एक्स है इसके साथ अगर माइनस का निशान है तो ए माइनस बी वाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ लगेगा, और अगर यहाँ पर प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा, ठीक है ना। तो इसको हम कर लेते हैं, तो ये हमारा बेसिकली इसको आप ए मान लो, इसको आप ए मान लो और इसको बी मान लो, ठीक है ना। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा, ए हो गया हमारा एक्स माइनस, ये हो जाएगा हमारा 7/4 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको खोलें, एक्स माइनस 7/4 के होल स्क्वायर को अगर हम खोलें तो सेम यही चीज़ निकल के आएगी, ठीक है ना। इसको खोलेंगे तो सेम यही निकलेगा, ये एक्स को खोलेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर है माइनस 2ab, तो 2ab क्या हो गया, यही आएगा, और 7/4 ये बी है तो ये बी आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर इसको हम खोलेंगे तो ये वाला बन के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2ab 7x/2 हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर, तो ये बी हो जाएगा। तो बेसिकली इस जो फॉर्म है इसको हम इसमें लिख रहे हैं, ए माइनस बी वाले फार्मूले में लिख रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस, इसको हम खोल देंगे 7 7 जा 49 बटे अपॉन 4 4 जा 16, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से इसको कर लिया। अच्छा, अब क्या करेंगे हम आगे हम एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम कर लेंगे। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे इसका, तो एलसीएम हमारा आएगा 16
16 आया तो 2 8 जा 16, तो 8 3 जा 24, तो ये माइनस 24 ऊपर आ जाएगा प्लस 49। नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 में से 24 गए ये हुए, 9 में से 4 गए 5, 4 में से 2 गए 2, तो ये हमारा हो जाएगा 25/16। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें। तो अब क्या करेंगे सिंप्लीफाई, क्या ये जो स्क्वायर है इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे, तो इसको शिफ्ट करने के लिए क्या होगा, x माइनस 7/4। जब भी स्क्वायर हम हटाते हैं तो हमेशा यहाँ जो रूट लगता है वो प्लस माइनस में लगता है, ठीक है, तो x माइनस 7/4 प्लस माइनस यहाँ रूट लग जाएगा, तो रूट 25/16। ये हमने स्क्वायर को शिफ्ट कराया इस साइड, ठीक है, जब भी स्क्वायर शिफ्ट होगा तो इस साइड जो है रूट आ जाएगा, और रूट हमेशा प्लस माइनस में आता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करें, तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का रूट हो गया 5 और 16 का हो गया 4, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आई x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 प्लस माइनस 5/4, ठीक है। तो अब जो है हम इसके रूट निकालेंगे, तो रूट क्या करेंगे, हम एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे, तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4, एक बार तो हमने प्लस ले लिया, ठीक है, और दूसरा जो रूट निकालने के लिए हम माइनस ले लेंगे क्योंकि प्लस माइनस में निशान है ये, तो दूसरी बार आ जाएगा ए माइनस, एक्स माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4, तो ये हमने कर लिया। अब इसको जो है फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास दो रूट निकल के आएंगे, तो पहला रूट निकलेगा एक्स इज इक्वल टू 5/4, और ये 7/4 जो है इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा प्लस 7/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया 4, और ये 5 प्लस 7 x इज इक्वल टू 7 और 5 ये हो जाएगा 12/4, 4 1 4 और 4 3 12, तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये हमारे पास एक रूट ही आ गया इसका। अच्छा अब दूसरा हम निकालते हैं, पहले हमने प्लस से ले लिया, अब माइनस से कर लेते हैं, तो माइनस से करेंगे तो ये x इज इक्वल टू माइनस 5/4, और ये माइनस का 7/4 है ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस 7/4 x इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम 4 आया हमारा, और यहाँ ऊपर माइनस 5 आ जाएगा प्लस 7 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7 में से माइनस 5 गए ये बचे 2/4, तो 2 1 2 और 2 2 4, यानी कि x इज इक्वल टू 1/2, तो ये हमारे पास दूसरा रूट आ गया। तो स्टूडेंट्स जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है वो इस तरीके से मैंने आपको समझाया कि किस तरह से हम जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसमें मैं एक बार आपको फिर थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम जो ये इसका जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट होता है उसे हम रिमूव करते हैं, ठीक है, यानी कि जितना भी इसके साथ कोफिशेंट लगा हुआ है, नंबर लगा हुआ है, उतने से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ जैसे 2 था तो हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2 इससे कर दिया, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हमने शिफ्ट कर दी इस साइड।
थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कॉफिशेंट ऑफ एक्स, यानी कि जितना भी एक्स का जो कॉफिशेंट है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर कर देते हैं और उसको दोनों साइड हम प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और जब भी यहाँ जो इक्वेशन बनती है वो हमेशा ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आएगी या ए माइनस बी के होल स्क्वायर में आएगी। ठीक है, जब भी यहाँ एक्स के साथ जब माइनस का निशान होता है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगता है, और अगर यहाँ प्लस का निशान है तो ए प्लस बी वाला फार्मूला लगता है। ठीक है, तो इसमें हम ये सिंपल इसको इस फॉर्म में ले आते हैं, ए माइनस बी वाले होल स्क्वायर के फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, इसको अगर हम खोलेंगे तो यही बन के आएगा। तो सिंपली हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया और इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम ये जो स्क्वायर है इसको हम शिफ्ट कर देते हैं इस साइड। तो स्क्वायर जब भी इस साइड शिफ्ट होता है तो दूसरी साइड जब भी इधर लेफ्ट हैंड साइड का जब स्क्वायर हटाते हैं तो जब राइट हैंड साइड जाता है तो हमेशा अंडर रूट वहाँ लगता है। ठीक है, और अंडर रूट हमेशा प्लस माइनस में होता है, तो प्लस माइनस का निशान लगा के हम अंडर रूट लगा देते हैं और फिर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। और जब ये इक्वेशन सॉल्व हो जाती है तो ये इक्वेशन हमारे पास आई x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये प्लस में भी है और माइनस में भी है। ठीक है, तो इसको हम दो एक बार प्लस से कर लेते हैं और दूसरी बार इसको माइनस के साइन से कर लेते हैं, तो इस तरह से हमारे पास दो रूट निकल के आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको तरीका बताया कंप्लीटिंग द स्क्वायर, किस तरह से हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम जो है रूट्स जो है निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये तरीका पूरा समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर आपको लगे कि किसी जगह कोई आपको डाउट है या कुछ नहीं समझ में आ पा रहा है, कहीं भी आपको क्लैरिटी नहीं आ पाई है, तो आप मेरे साथ आप उसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस करके मेरे साथ पूछ सकते हैं, तो मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो मैंने काफ़ी इसको सिंपल वे में आपको बताया है कि किस तरह से इसको इस मेथड को यूज़ किया जाता है, फिर भी अगर हो सकता है अगर आपको नहीं थोड़ा बहुत पता लगा हो या किसी में, आप एक वीडियो को एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, अगर जितनी ज़्यादा बार आप इसको देखोगे ना और करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, इतना मैं आशा करता हूँ। ठीक है, फिर भी अगर लगे कि आपको नहीं कुछ कहीं समझ में आ पाया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसे डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ बेझिझक होकर। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियोस को आप लाइक करते रहिए, शेयर करिए और अपने साथियों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो मैं जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, उसी समय मिल जाएगा, तो आपको जो है सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, तो अब आप मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका नेक्स्ट पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक ओके, बाय, थैंक्स।